बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्क जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेशन को स्टडी किया था। रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है जिसको ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में एनर्जी पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं। फूड को ब्रेक करके, जो उन्होंने खाना खाया होता है उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन होता है। तो लास्ट टाइम हमने इसकी पहली टाइप तो पढ़ ली थी जिसको हमने एरोबिक रेस्पिरेशन कहा था। तो ये अब उसके आगे सेकेंड टाइप है जिसको हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा। तो ये टर्म हमने लास्ट टाइम भी डिफाइन की थी कि ग्रीक टर्म्स के अंदर ए और एन ये किसी भी चीज़ का ऑपोजिट शो करते हैं। किसी भी चीज़ का हमने उलट करना हो तो उसके स्टार्ट में ए या एन लगा दिया जाता है। जैसा कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल भी हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, सेक्सुअल और इसका उलट होता है ए सेक्सुअल, स्टार्ट में ए आ गया। ऐसे ही एरोबिक और इसका उलट हो जाएगा अनएरोबिक। तो ये ए और एन किसी भी चीज़ की ऑपोजिशन है। तो लिहाजा अनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो एरोबिक के टोटली उलट है। तो एरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ होती है और इस तो ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन भी है। इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं और ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है तो तमाम बॉन्ड्स नहीं टूटते, नॉट ऑल सी एच बॉन्ड्स आर ब्रोकन, सारे नहीं टूटते, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं तकरीबन मोस्टली एंजाइम जो हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर अनब्रोकन। उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टूटते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज की मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन को कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इस चीज़ को हम फर्मेंटेशन या इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज, याद रखिए जो पहला स्टेप है ना वो एरोबिक एनारोबिक का दोनों का ही सेम है। पहला स्टेप इसका ये था रेस्पिरेशन का कि अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन का जो स्टेप नंबर 1 है वो ये था कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस मतलब। उसमें ये था कि जो ग्लूकोज है, सिंपली लिख लेते हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड में चेंज हो जाता है, उसमें ब्रेक कर दिया जाता है। दो मॉलिक्यूल बनते हैं पाइरूविक एसिड के, ठीक है। तो ये स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन में भी था और ये अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी है। तो अगर हम एरोबिक की बात करें तो एरोबिक में तो ये था कि इससे आगे फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज बन जाते थे, तो ये कंप्लीट सी एच बॉन्ड इसके अंदर से टूट जाते थे। लेकिन अब क्योंकि इनकम्प्लीट है, सारे बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, जिसकी वजह से दो ऑप्शंस हैं इससे कि या तो इससे हमारे पास अल्कोहल बन जाती है या फिर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। तो ये दो चीज़ें बनती हैं कि जब ग्लूकोज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो उससे जो आगे पाइरूविक एसिड बनता है, फिर उस पाइरूविक एसिड से या तो अल्कोहल बनेगी या फिर उसे लैक्टिक एसिड बनेगी। तो इसी बेस पर हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन को दो टाइप्स के अंदर तकसीम कर दिया। एक हो गई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो पाइरूविक एसिड बनता है, पाइरूविक एसिड से आगे फौरन इथाइल अल्कोहल और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो वो जो टाइप है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, और जिसमें लैक्टिक एसिड पैदा हो जाए पाइरूविक एसिड से वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो इसमें जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो ज़्यादातर कैरी आउट करते हैं यीस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म, यीस्ट एक फंजाई है, और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा करते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कुछ बैक्टीरिया कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। तो ये इनकी दो टाइप्स हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस पे आते हैं कि ये इसकी क्या अहमियत है फर्मेंटेशन की। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम इसका बनाएंगे वो होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि ये दुनिया जो है वो जैसे इसका आगाज़ हुआ है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से हुआ है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ना होती तो शायद ये
इस हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो लाइफ शायद स्टार्ट ना हो पाती। उसकी रीज़न ये है कि आफ्टर द बिग बैंग जो कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था, तो हमारी अर्थ जो है वो इतनी ज़्यादा गर्म थी कि वो इनहैबिटेबल नहीं थी। कई साल गुजर गए, कई कह लें कि लाखों साल गुजर गए, जब ज़मीन ठंडी हुई उसके ऊपर पानी आया तो उस पानी में कुछ बैक्टीरियाज मौजूद थे जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे, क्योंकि तो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन तो इम्पॉसिबल थी। तो उन बैक्टीरियाज़ ने एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एनर्जी पैदा करना शुरू की और उसके साथ साथ अपने अंदर चेंजेस भी पैदा की। तो जैसे ही वो चेंज होते गए, एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पर ऐसे बैक्टीरियाज़ बन गए जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जिनको कहा जाता है। तो फिर वहाँ से फोटोसिंथेसिस का आगाज़ हुआ। फिर बहुत सारे यूनिसेलुलर जानदार ने अपने आप को डेवलप करके मल्टीसेलुलर जानदारों में कन्वर्ट कर लिया, और जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी तो हमारे अर्थ के ऊपर सबसे पहले तो ओजोन बनना शुरू हुई जो कि हमारी पूरी अर्थ को कवर कर रही थी, ताकि फर्दर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और जो कि जितनी भी नुकसानदेह या हीट रेडिएशंस है वो हमारी अर्थ तक ना जाए। तो जब ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा डिपॉजिट होगी कि ऊपर जाके ओजोन बन गई, तो उसके बाद ऑक्सीजन ओजोन बनने के बाद हमारे ही एटमॉस्फेयर में जमा होती रही, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भर गया। तो ये वो स्टेज थी जहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक किया जा सकता था। तो तब से लेकर अब तक जो है हम अपनी बॉडी से एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं। हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, वो जाके ग्लूकोज को ब्रेक करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर स्टार्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन ना हुई होती तो शायद आज लाइफ ना स्टार्ट हुई होती। तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ की भी एक बेसिक है। इसके अलावा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारी अपनी बॉडी के अंदर भी होती है, मतलब ह्यूमंस के अंदर, कि जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, भागते हैं, तो उसमें हमारी जो है वो सांस के ज़रिए जाने वाली ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी निकाली जाती है। लेकिन बाज़ात हम इतना हार्ड काम कर रहे होते हैं, इतनी तेज़ भाग रहे होते हैं कि जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है वो ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी पैदा करने, इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती जितनी हम अपनी बॉडी से डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स को मजबूरन जितनी ऑक्सीजन से मिल रही है वो तो हमारी बॉडी ले ही रही होती है, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा चाहिए होती है वो फिर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही, यानी कि एब्सेंस में ही उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया जाता है, जिससे फर्मेंटेशन होती है। और ये फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, सॉरी ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से फिर हमें थकावट महसूस होती है, मसल्स अकड़ जाते हैं, खलियाँ जिसको पंजाबी में कहते हैं, हमारे खलियाँ पड़ जाती हैं। और आखिरी चीज़ है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी फर्मेंटेशन का काफ़ी हद तक यूज़ किया जा रहा है, कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट कैपेबिलिटी पाई जाती है डिफरेंट टाइप की फर्मेंटेशन में। तो बहुत सारी फर्मेंटेशन वाली प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए हमने इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया है, चाहे वो फूड का हो या चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे वो टेक्सटाइल फील्ड के अंदर हो, फर्मेंटेशन हर जगह पर यूज़ की जा रही है। जैसा कि एक फंगस है एस्परजिलस, उसको जो है वो साइंटिस्ट सोया सॉस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट इम्पोर्टेंस भी होगी इसकी और एरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स भी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्मेंटेशन। तो कल इंशाल्लाह हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और ये लास्ट टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ फर्मेंटेशन।